सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंटिफिक टेक्निकल ट्रिक में। सो आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक मैजिकल मैथ ट्रिक। तो इस ट्रिक को करने के लिए हमारे साथ है अरुण। तो अभी अरुण के साथ हम इस ट्रिक को करेंगे। तो सबसे पहले मैं रूल बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, कोई भी तीन डिजिट लिखने हैं, ठीक है। तीन डिजिट आप कोई भी सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पे। तो ये लो मार्कर, थोड़ा बड़ा लिखना ताकि दिख जाए कैमरे में, कोई भी तीन डिजिट, और कैमरा को भी दिखा देना। ओके, अभी इसके बाद मैं क्या करूँगा, इस डिजिट को देख के मैं यहाँ पे पहले ही प्रिडिक्ट कर दूंगा कि आंसर क्या आने वाला है। अभी यहीं पे मैं लिख देता हूँ आंसर पहले ही, ठीक है। तो ये आंसर भी दिखा दो कैमरा में, चलो मैं ये दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने पहले ही आंसर को प्रिडिक्ट कर दिया है। तो इसके बाद अरुण ये लो, फिर से कोई तीन डिजिट लिखो इसके नीचे। ये काफी सही और मजेदार ट्रिक है, फिर से कैमरा को दिखा दो। तो इसके बाद बारी आती है आपकी। अभी मैं कुछ लिखूंगा इसमें, तो यहां पे मैं कुछ लिख देता हूं। तो यहाँ पे मैंने अपने तीन डिजिट लिख दिए हैं। तो अभी अरुण आप फिर से तीन डिजिट लिखो। बहुत सोच समझ के लिख रहा है लड़का। तो भाई ने लिख दिए हैं तीन डिजिट, आप देख सकते हो। अभी लास्ट स्टेप, यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ अपने तीन डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिए हैं, तो ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इन सम का टोटल करेंगे, ठीक है। तो अरुण इन सब का टोटल करके इस साइड पे लिखना, इस साइड पे अरुण इसका आंसर लिखेगा जो टोटल करके आएगा। तो इसको पकड़ो, मैं कैलकुलेटर भी देता हूँ तुम्हें, ये लो कैलकुलेटर का यूज करो और जल्दी से हमें आंसर बताओ कि आंसर कितना आता है। आंसर को आप यहीं पे लिख दो साइड में और कैमरा में आंसर को दिखाओ। इसको दे दो। अभी अरुण का आंसर और जो मैंने जो लिखा था वो आंसर दोनों देख लो। तो दोस्तों आप देख सकते हो अरुण का जो आंसर आया वो बिल्कुल एग्जैक्ट है जो मैंने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। ये जो मैजिक है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान, आप इसको एक सेकंड में समझ जाओगे। तो उसके लिए आपको इसका सीक्रेट जानना होगा। तो चलिए अभी चलते हैं सीक्रेट की तरफ। तो दोस्तों अभी जान लेते हैं सीक्रेट। तो सबसे पहले आपको सामने वाले को बोलना है कोई तीन डिजिट लो। तो यहाँ पे अरुण ने लिए थे 625 और इसको देख के ही मैंने बता दिया था कि आंसर होगा 2623। तो ऐसा मैंने कैसे किया, तो अभी ध्यान से देखना। सबसे पहले जैसे अरुण ने लिया था 625, तो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट होगा जैसे कि यहाँ पे 5 है तो उसमें से मैंने 2 घटा दिया। जब मैं 5 में से 2 घटाऊंगा तो आंसर आता है 3, और 62 को मैंने एज इट इज़ नीचे लिख लिया और आगे लगा दिया 2। तो इस तरह से मेरा आंसर जो है पूरा आ चुका है। लेकिन इस ट्रिक में एक और चीज़ करनी पड़ती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आपको सामने वाले को बोलना फिर से कोई तीन डिजिट लिखो। तो जैसे कि अरुण ने लिखा था 571, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो सेकंड रो है इसके हर एक डिजिट का जोड़ 9 बनना चाहिए। तो उसके बाद जो मैंने जो नीचे डिजिट लिखे थे तीन, वो लिखे थे 428। तो आप देख सकते हो 549729819, ठीक है। उसके बाद फिर से बोलो सामने वाले को तीन डिजिट लिखो, तो अरुण ने लिखा 369। फिर से मैंने वही चीज़ रिपीट की, इनका जोड़ बनाया 9, तो नीचे बनेगा 639639 और 9 के नीचे 0। तो अभी क्या करना है, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आंसर आएगा 2623। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये मैथ मैजिक पसंद ज़रूर आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मार दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और घंटी बटन दबा दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।